नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सभी का वेलकम है रजनी फैमिली किचन में। तो आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्ज़ी। आपने अभी तक सुना होगा, देखा होगा और बनाई होगी कढ़ाई में सब्ज़ी। चलिए आज हम बनाते हैं कुकर में पत्ता गोभी की सब्ज़ी और इतनी टेस्टी बनने वाली है जो कि सभी को पसंद आने वाली है। तो ये है पत्ता गोभी, एक छोटी सी पत्ता गोभी थी जिसको हमने काट लिया है, अच्छे से पहले वॉश किया और फिर कट कर लिया है। और ये है दो आलू, मीडियम साइज के दो आलू थे जिनको हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और ये है दो मीडियम साइज के टमाटर, ये हैं दो मीडियम साइज के प्याज और ये हैं चार हरी मिर्च। प्याज को आप अपने मनचाहे आकार में काट सकती हैं, हमने ये लंबे लंबे आकार में काटा है, आप चाहे तो छोटा छोटा भी कट कर सकती हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रख दिया है कुकर और कुकर में डालेंगे दो बड़े चम्मच ऑयल। अधिकतर आपने देखा होगा कि सब पत्ता गोभी की सब्जी कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन आज मैं कुकर में बनाऊंगी। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो हमने डाला आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई, और दोनों को चटक जाने के बाद हमने डाल दिया प्याज जो कि हमने कट करके रखा हुआ था। प्याज को हल्का सा भूनेंगे, ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे दो पिंच हींग, और प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, भुन चुका है, तो हम यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। और इनको भी हमें अच्छे से भुनना है, चलाना है, टमाटर को सॉफ्ट करना है। उसके बाद हमने आलू डाल दिए हैं, और आलू और उसके बाद गोभी को भी ऐड कर देंगे, जो पत्ता गोभी जो हमने कट करके रखी हुई है उसको भी हमने ऐड कर दिया। और दोनों को अच्छी तरह से हम 2-3 मिनट चलाएंगे, चलाते हुए इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से। तो यहाँ से 2 से 4 मिनट हो गए हैं चलाते हुए। अब हम करेंगे मसाला ऐड। तो यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हमने ऐड किया है, और आधा चम्मच करेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। सभी को ऐड कर दिया और अच्छे से इनको मसालों को भूनेंगे चलाते हुए। जब मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं, मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं चलाते हुए, उसके बाद हमने आधा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद हम यहाँ पे हमने जो है बंद कर दिया था कुकर को, ढक दिया था और एक बिसल आने दी। एक बिसल आने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था और हमने खोला नहीं था कुकर को, अपने आप गैस निकलने दी थी। और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, देखिए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और आप हरा धनिया से गार्निश कर दीजिए। हमारे पास आज हरा धनिया अवेलेबल नहीं था क्योंकि बारिश का मौसम है, तो हरा धनिया अवेलेबल नहीं था। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।